एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बेल बॉटम ट्राउजर का कटिंग, यानी कि जो बॉटम है इसका बड़ा है और ऊपर से ये स्ट्रेट फिट आएगा और बेल बॉटम होता है ये, और इसका पैंट का जो कटिंग है उसको डिटेलिंग में बताने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कटिंग के टाइम पे मैं कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर सकूं। तो उसी को आधार बनाया हुआ मैंने कि शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है, बस इसी को आधार बनाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और एक मैं गुजारिश भी आप लोगों से करना चाहूंगा कि यार, वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तो उसके लिए आप वीडियो पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि ये वीडियो अगर आपको कुछ काम के लग रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या सोच रहे हो? और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक को बिछा लिया है, ये आज है, ये बेल बॉटम है, यानी कि बेल बॉटम ट्राउजर है। नीचे इसका जो बॉटम है वो बड़ा आएगा और अपर पोर्शन स्ट्रेट रहेगा, ऊपर से टाइट नहीं होगा, स्ट्रेट आएगा। थोड़ा लूज फिटिंग में चाहिए, स्किनी है पर्सन। और कुछ प्रोसीजर होते हैं फैब्रिक को बिछाने से पहले, ये टेबल का जो किनारा होता है यहाँ पर देख लेना आप इक्वली बैठे ताकि फैब्रिक स्ट्रेट हो, और इसको प्रेस करके आप रिंकल फ्री कर लेना। और ये जो सीधा साइड है वो फैब्रिक का अंदर रहेगा और उल्टी साइड बाहर रहेगी, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे आएगी। और सबसे पहले हमें अपर पोर्शन पे इस तरह से एल स्केल को इस तरह आप किनारे पे इस तरह से रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से, ताकि जो फैब्रिक है वो अपर पोर्शन से इस तरह स्ट्रेट हो जाए। और एक डायगोनल लाइन आएगी इस तरह से डाउनवर्ड, फ्रंट पोर्शन डाउन होगा इसका। जो ये पॉइंट है ये पौना इंच से एक सूत कम, साइज छोटा है इसलिए पौना इंच से एक सूत कम, यानी कि आधा इंच से एक सूत ज्यादा, इस तरह ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं आपको पहले मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूँ। तो ये इसका मेजरमेंट है, ये ट्राउजर है, क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, आगे हुक्स आएंगी, नीचे तरपाई यानी कि हैमिंग होगा। लेंथ है इसकी 38, वेस्ट है इसकी 27, हिप है इसका 30, बॉटम है इसका 17 और थाई है इसका 19। तो दबा नीचे तक रखना है, ये सफाई से बनाना है, ये मैं कारीगर के लिए लिखता हूँ। तो ये एक बेल बॉटम है, तो ये इसका साइज है, क्लियर। तो इसी की कटिंग करने जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में बताने की एक एक चीज, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इससे मेजरिंग टेप को एक इंच ऊपर रख देना है और यहां से हमने लेंथ की मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो लेंथ है इसका जैसे 38, ओके, तो 38 प्लस 3 इंचेस। और यहां पर ये जो अपर पोर्शन है यहां पर इस तरह से मेजरिंग टेप रख के इसका जो आसन का जो साइज है उसके ऊपर आपने पॉइंट मार्क कर लेना है, और इसका गिदरी यानी कि इन सीम चेक कर लेना है। तो ये 28 है, उसका भी 28 ही आ रहा था, तो 28 आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। और अगर आपको मेथड्स पता हैं तो आप अपर वेस्ट लाइन से भी यहाँ पर इस चीज का आसन का मार्क कर सकते हैं। ये किस तरह से निकालना होता है इसको मैं किसी अनदर वीडियो में, पूरा वीडियो इसी के ऊपर बना देंगे। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, इन सीम जो है वो 28 और 28 का हाफ आ गया 14 इंचेस, और 2.5 इंच हम ऊपर चलेंगे, क्लियर। 2.5 इंच ऊपर हमने एक मार्क लगा लिया, ये आ जाएगा हमारा जो है नी पॉइंट। तो ये भी ऐसे 90 डिग्री स्ट्रेट हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये हमारा जो थाई का लाइन आया था इसके ऊपर भी, जो आसन का, इसके ऊपर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये जो हमारा बॉटम का है यानी कि लेंथ का,
यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेटली दो सूत नीचे इस तरह मार्क करके आपको ऐसे इस तरफ से तिरछा आएगा, ठीक है। तो इस तरफ से ऐसे मार्किंग आपने स्टार्ट कर देनी है, ये आपने नीचे डायगनल इस तरफ से टेढ़ा होगा, क्लियर। और मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो विदाउट प्लेट्स होती हैं उनकी मार्किंग हिप लाइन यानी कि ये जो थाई लाइन है, ये जो आसन का पॉइंट है, यहां से मेजरमेंट स्टार्ट होती है और मार्किंग स्टार्ट होती है, और जो प्लेट्स वाली होती हैं उनकी वेस्ट लाइन से। तो यहां से ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच में छोड़ दूंगा, 0.5 इंच के बाद मैं मार्किंग शुरू करता हूं। तो यहां पर 30 इसका हिप है, 30 का 1/3 आ गया 10 इंचेस, और 0.5 इंच यहां से माइनस कर दिया यानी कि 1.25, और यहां से 1.5 इंच अंदर फ्लाई का आ गया, और 1.25 का जो है हाफ वो है 4.5 और 1 सूत, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये 1/3 ऑफ हिप माइनस 0.5 इंच, 1.5 इंच फ्लाई का, और ये आ गया हमारा सेंटर मार्किंग। और यहां से यहां तक ये आ रहा है 8 इंच और 3 सूत, और यहां पर भी 8 इंच और 3 सूत के ऊपर ऐसे मार्क लगा लेंगे, ये जो है ये अब स्ट्रेट हो गया। और यहां से अप्रोक्सीमेटली हमें 0.5 इंच से 1 सूत कम, साइज छोटा है तो अदरवाइज 0.5 इंच भी कर सकते हैं, कईयों का 0.5 इंच भी करना पड़ सकता है। तो ये हमारा 0.5 इंच से 1 सूत कम पे मार्किंग लगा दिया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेस्ट है इसका 27, तो उसका 1/4 हो गया 6.75 और 7.75, 1 इंच प्लस कर दिया सीम अलाउंसेस का, तो यहाँ पर, और 1.5 इंच ये मार्क आ गया हमारा क्रॉस पॉकेट का, जो हमने क्रॉस लगाना है उसका, क्लियर। और ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से ये जो किनारा पट्टी शुरू हो रहा है ये हो रहा है 1.25 पे, और बॉटम लाइन के ऊपर भी हमें 1.25 के ऊपर इस तरह से एक मार्क लगा देना है। और नी का जो सेंटर है वो भी आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से निकालता हूं, ये जो मेजरिंग टेप है इसको ऐसे मार्किंग के ऊपर ऐसे स्ट्रेट करके एक मार्क हमारा यहाँ आ जाता है और एक मार्क यहाँ आ जाता है, और यहां से भी आप देखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वो अपना अपना तरीका है, तो मेरा हाथ इस तरह से बैठा है तो मैं उसी तरह से चलूंगा। और इसका बॉटम है 17 इंच, 17 का हो गया 8.5 और 8.5 का हो गया 4.25, 4.25 इधर आ जाएगा और 4.25 इधर आ जाएगा, क्लियर। ये इसका बॉटम आ गया, और ये जो थाई है ये स्ट्रेट चाहिए, हमें ज्यादा नैरो नहीं चाहिए और ना ही बॉटम की तरह खुला चाहिए, तो ये कम चाहिए। तो यहां से मैं ये जो आप नी पॉइंट की मार्किंग कर सकते हो, तो ये है 14 यानी कि 7 आ जाएगा, 3.5 यहाँ रख के 7 इंच का ये पोर्शन ड्रॉ कर लिया मैंने। और उसके बाद ये जो शेप पट्टी है इसके साथ हमने यहां से यहां तक का इस तरह से मार्क कर लिया, और इसको इस तरह से घुमा लिया, और यहां पर भी मैंने इसको नी पॉइंट वाले मार्क से इस तरह से टच कर लिया, क्लियर। और ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है यहां पर, ये देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ये जो मैं अभी शेप पट्टी रख रहा हूं तो यहां से इस तरह आ रही है, और यहां से एकदम इधर टूट रहा है ये पॉइंट, तो ऐसे नहीं करना, ये जो कर्व है हमारा इस कर्व के साथ कंटिन्यू आप कोशिश करो कि हमारा ये जो शेप है वो कहां पर बैठ रहा है, तो उसी को, ये देखो, ये इस पोर्शन पे आके अच्छे से बैठ रहा है, ये जो कर्व है शेप पट्टी के साथ। तो फैब्रिक को उसकी लेयर के साथ चलने दोगे तो जब आप प्रेस करोगे तो यहां पर किसी तरह का फोल्ड नहीं आएगा, क्लियर। मैं कोशिश करता हूं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि उनको कटिंग में कुछ हेल्प हो जाए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर मैं कहीं कुछ हेल्प कर सकूं, तो मेरा मकसद यही है इन वीडियोस को बनाने का। ये यहां पर इसका फ्लाई का आ गया, ये उल्टी साइड का मार्किंग आ गया, और ये जो मैंने वेस्ट को, ये जो हमारा थाई का है इस शेप के साथ इस तरह से मिला देना है, और ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंच से 1 सूत कम इस तरह नीचे डाउनवर्ड कर देना है ये पोर्शन, क्लियर। तो ये है इसका फ्रंट का मार्किंग, और यहां पर हमारा ये जो है
फ्लाई काकाओ ये इस तरह से आ जाएगा। ये आप फ्री हैंड भी कर सकते हो, ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे इजी लगे आप उस तरह से कर लेना, क्लियर। और ये हमारा यहां से आ जाएगा इसका जो हमारा होल है, सॉरी पॉकेट का, ये जो क्रॉस पॉकेट का ये जो होल है ये यहां से यहां तक का आ जाएगा। और यहां पर इस तरह से आप इसको ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहां पर ठोका आ जाएगा ऊपर, यानी कि पक्का हो जाएगा इतना इतना, और बाकी होल आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्रंट का बेल बॉटम का मार्किंग। यहां से मैंने एकदम से नहीं तोड़ा, अगर मैं ऐसे जैसे शेप पट्टी आ रहा था सीधा ऐसे, वो यहां पर ऐसे बेंड आ जाएगा जब हम प्रेस करेंगे तो ये बैठेगा नहीं, ये मैं आपको क्लियर बताता हूं। तो ये शेप पट्टी के साथ देखो आप कर्व कहां से कंटिन्यू जा रहा है, वहीं पे रखना, क्लियर। तो अब भगवान का नाम लेके इसका जो कटिंग है वो करते हैं, अपने अपने भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए इसी बहाने। और एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये जो अगर आप इस मेथड के साथ इस तरह से फर्स्ट टाइम बेल बॉटम कटिंग करने जा रहे हो, तो आप एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कटिंग करने से पहले मार्किंग सारी चेक कर लेना, रीचेक कर लेना उसको कि क्या साइज के अकॉर्डिंग मैंने जो मार्क लगाए हैं वो ठीक हैं, क्लियर। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कटिंग के टाइम पे। तो इस तरह से हमने ये जो है ट्राउजर का बेल बॉटम ट्राउजर का फ्रंट पोर्शन कट कर लेना है। ये पॉकेट का यहां पर भी नॉच आ जाएगा, ये नॉचेस बहुत जरूरी होते हैं ताकि दोनों लेयर्स कहां पर बैठती हैं स्टिचिंग के टाइम पे, वो कारीगर जो बना रहा है उसको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और ये इसका हमारा जो लास्ट लाइन है यहां पर इस तरह से कटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये भी थोड़ा सा आपने डायगोनल यानी कि टेढ़ा ही रखना है, सीधा कटिंग नहीं होगा, दो सूत टेढ़ा जाएगा। ये मैं कटिंग जो है कोशिश करता हूं कि एक एक चीज अच्छे से अपने जो व्यूअर्स हैं उनको समझा दूं, उनके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं कटिंग को लेकर, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि जो शिक्षा है वो बांटने से बढ़ती है, बस उसी को आधार बनाकर मैं इस तरह के ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे जो भाई बंधु इस काम से रिलेटेड हैं उनके मैं कहीं ना कहीं कुछ काम आ सकूं। तो आप खुद देखो ये मैंने फ्रंट पोर्शन कट कर दिया है, तो आप यहाँ से इस पोर्शन को ये देखो बेल कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो, क्लियर। नीचे का जो बॉटम है वो ज़्यादा चौड़ा है और नी पॉइंट से कम हो गया, ये देखो, ठीक है, क्लियर। तो ये था इसका फ्रंट का मार्किंग। तो अभी बैक के लिए मैं कटिंग करूंगा, तो बैक जो है उसको इस तरह से फैब्रिक को घुमा लेना है और फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेना है। अगेन फिर वही बात बोलूंगा मैं कि फैब्रिक को आपने इस तरह से प्लेस करना है कि जो आपके टेबल का किनारा है वहां पर ये फोल्ड ऐसे स्ट्रेट इक्वली डिस्टेंस पे आए, क्लियर। क्योंकि फैब्रिक स्ट्रेट होगा तो उसकी फॉल जो है वो अच्छी आएगी, अगर फैब्रिक स्ट्रेट नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा मेरे भाई। तो फैब्रिक को रिंकल फ्री करना भी बहुत जरूरी है, उससे थोड़ा नीटनेस यानी कि सफाई आ जाती है काम की। हर काम में अपना अपना तरीका होता है हर बंदे का। तो ये इस तरह से कटिंग होगा, क्लियर। तो अभी मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो ये फ्रंट पोर्शन है, इसको मैंने इस तरह से रख लेता हूं मैं, ये अप्रोक्सीमेटली यहां से 3-3.5 इंच जगह छोड़ के फिर आप फैब्रिक को इस तरह से प्लेस करना, ठीक है। उससे क्या है कि थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा ये किस तरह से प्लेस होगा फैब्रिक। अब ये अपर पोर्शन नीचे वाले के ऊपर मैंने सीधा रखा हुआ है या नहीं तो वो इस तरह से चेक करना आपने। ये जो एल स्केल है इसको आपने ये जो फैब्रिक का फोल्ड किनारा आ रहा है यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री पे रख के, और ये जो हमारा लाइन है इस लाइन को आपने चेक कर लेना है। ये देखो ये लाइन एकदम पैरेलल यानी कि एकदम स्ट्रेट आ रहा है, जो हमारा एल स्केल है इट मीन्स अपर पोर्शन ठीक रखा हुआ है।
और यहाँ पर ये लाइन को ऐसे कंटिन्यू कर देना है और आधा इंच से एक सूत यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है और एक ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है और बॉटम पर भी इस तरह से बॉटम लाइन को भी आगे कंटिन्यू करना है आपने। और ये जो हमारा अपर पोर्शन का ये जो टॉप पॉइंट था यहाँ पर भी एल स्केल के साथ स्ट्रेट रख के एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर, ये मार्किंग हो गया। अब इसमें ये पोर्शन बैक जो है वो कितना उठाना है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में दोबारा से। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे सीधा मेजरमेंट रख के डेढ़ इंच पे मार्क कर देते हैं, तो उनका अपना तरीका है। मैं यहाँ किसी को गलत सही कहने नहीं आया, मैं अपना मेथड बताने आया हूँ। ये जो हमारा मेजरिंग टेप है इसको इस तरह से रखना है। ये जो हमारा नी पॉइंट है इसका ये जो सेंटर निकाला था यहाँ पर ऐसे होल्ड को रख के ऐसे थंब के साथ अंगूठे के साथ इस तरह दबा लेना आपने और यहाँ से यहाँ तक देखना है ये 21.25 आ रहा है। ये देखो ये जो अपर पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक 21.25 आ रहा है। उसके बाद आपने ये अंगूठे से इस तरफ से दबा के रखना है और मेजरिंग टेप को ऐसे धीरे करके इस तरह से घुमा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 21.25 के ऊपर आपने इस तरह मार्क लगा लेना है। क्लियर, इस तरह से बैक उठाओगे तो आपको जो है दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली किसी भी तरह की, आपकी कटिंग में एकदम परफेक्शन आ जाएगी। क्लियर, बैक साइड पे जो थाई के नीचे वाला पोर्शन पे अगर फैब्रिक का किसी तरह का झोल आता है तो इससे वो वाली प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, अब हमारा जो थाई है वो आ रहा है 19 तैयार रखना है हमने, तो 9.5, 10, 11.5 के ऊपर इस तरह से ऐसे मार्क आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और 1/4 इंच बॉटम से आपने ये एक्सटेंड करना है और अगेन ये जो हमारा शेप पट्टी है इसके साथ हमने यहां से इस तरह से मार्क कर देना है। क्लियर, और फिर इसको ऐसे नीचे ले जाते हुए इसी शेप को हमने आगे बढ़ाना है। वो कहां पर बैठता है वो आपको शेप पट्टी के साथ सारा देख लेना है, ठीक है। क्लियर, ये इस तरह से मार्किंग आप लगा देनी है और ये पोर्शन जो है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाएगा कि कल को हमें अगर लूज टाइट कुछ करना पड़े तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर होना चाहिए। अगर क्लाइंट कहे कि थोड़ा लूज कर दो तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर वेस्ट लाइन कैसे मार्क करेंगे, ये आधा इंच ऐसे सीम अलाउंसेस का छोड़कर 27 वेस्ट है, 6.75 और 7.75 एक इंच प्लस कर देना है। जो हमारा बैक साइड पे पॉकेट के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट आएगा उसके लिए एक इंच छोड़ देना है और 2.25 इंच आगे मार्क करना है ताकि कल को अगर वेस्ट को थोड़ा लूज करना पड़े तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर होना चाहिए वेस्ट लाइन पे। कस्टमाइज में यही तो फायदा होता है बनाने का, रेडीमेड में ये कल को लूज नहीं कर सकते, तो कस्टमाइज अगर आप करेंगे तो क्लाइंट को ये सुविधा जरूर दें कि यहाँ पर कल को वेस्ट जो है वो खोलने के लिए उसके फैब्रिक जो है अंदर जरूर रखना है। तो अभी जो हिप पॉइंट है वो किस तरह से निकालना होता है किसी भी ट्राउजर का तो वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें ये जो हमारा थाई का लाइन था यहाँ से 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्क लगा लेना है और फ्रंट का ये जो पोर्शन है इसको आपने इस पॉइंट के ऊपर से ऐसे मेजर करना है। तो ये 7.75 आ रहा है यानी कि 6.75 और आधा इंच छोड़ देना है 1.25 के ऊपर यहाँ पर ऐसे मार्क करके आधा इंच वाला निशान अंदर ले लेना है और 3.5 वाले पॉइंट के ऊपर इस तरह से आपने स्ट्रेट करके 15.75 आ रहा है इसका, तो 15.75 इस तरह से ये हिप का मार्किंग आ गया यानी कि हिप का ये जो साइज है उसका वो ये है। क्लियर, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन को ऐसे नीचे टेढ़ा किया था यहां पर मुझे इस तरह से इस लाइन को ऐसे पॉइंट को टच करते हुए यूं कर्व लगाना है। एक ये जो हमारा सीम का आ गया और हमारा जो कटिंग का है वो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी यहां से आधा इंच ऊपर से हम ऐसे कटिंग करेंगे और फ्री हैंड इस तरह से कर्व को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। क्लियर, ये मुझे लगता है आप लोगों को काफी क्लियर हो गया। और कुछ अगर नई चीजें इस कटिंग के जरिए आपको कुछ पता चली हैं
तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा बूस्ट हो जाता हूँ। तो आप कमेंट जरूर किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। और ये जो है ये ऐसे हमारा ये जो मार्क लगाया था मैंने इस तरह से कट हो जाएगा ये अपर पोर्शन। और वही देखो, अगर आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को ही, किसी भी चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो उसका आपको कोई चार्जेस थोड़ा ना पड़ता है, फ्री है ये सारी फैसिलिटी। चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपको अगर इस चैनल के जरिए कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप एक तरह से इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि कल को जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उससे सुविधा ही होगी, ठीक है, कुछ सीखने को ही मिलेगा और आपके सुझाव जो हैं वो मुझे सिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपने बेल आइकॉन को अभी तक क्लिक नहीं किया है तो उसको भी क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो। ये कुछ मेथड्स हैं इन चीजों के, तो इनको जरूर आप किया करो। मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आप लोगों की सुविधा के लिए। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मैंने रखा था जो कल को लूज करने के लिए, ये मैं पूरा नीचे तक रखता हूँ, क्योंकि हर क्लाइंट का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे को कल को लूज करवाना है तो फैसिलिटी होनी चाहिए क्लाइंट के पास। और ये जो हमारा इन सीम का टॉप का पॉइंट था, यहाँ पर भी हमारा इस तरह से नॉच आ जाएगा, क्लियर। और ये मार्किंग ऐसे उठा ली जाएगी। ये था हमारा फ्रंट और बैक बेल बॉटम का कटिंग, ठीक है। तो ये जो फ्रंट का पोर्शन है, ये जो फ्लाई का है, यहाँ पर ऐसे दो सूत इस तरह से मैं साथ साथ ऐसे कर्व स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे कम करते 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 इस तरह से ये कट हो जाएगा। ये अपर पोर्शन है यानी कि अपर लेयर है, और ये यहाँ से भी दो सूत ऐसे शुरू होगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ कम होते होते ऐसे ऐसे कट हो जाएगा, क्लियर। इसको करना जरूरी होता है क्योंकि इन सीम का जो पॉइंट होता है, जो फ्लाई के बिल्कुल पॉइंट के, यहाँ पर किसी तरह का झोल नहीं आता, तो वो निकालना जरूरी होता है। इसको टेलरिंग लाइन में, जो कारीगरी लाइन में, इसको बोलते हैं दृष्टि। तो ये है हमारा ट्राउजर का जो फ्रंट और बैक बेल बॉटम ट्राउजर का। अभी वैसे इतना ट्रेंड में तो नहीं है बेल बॉटम, लेकिन कोई कोई बनाने में इंटरेस्टेड हो रहा है। कुछ मन में किसी के आ जाता है कि मुझे बेल बॉटम पहनना है, तो क्या पता आगे जाके ट्रेंड में भी आ जाए ये चीज़। ये पहले तो काफ़ी ट्रेंडिंग में था, 70s-80s में काफ़ी चलते थे, तो अभी दोबारा से शायद ट्रेंड में आने वाला है ये बेल बॉटम। तो इस तरह से ये इसका कटिंग का ये जो पर्ची जो रिक्वायरमेंट है वो मैं कटिंग में इस तरह से लगा देता हूँ, ताकि पूरी डिटेल कारीगर को समझ में आ जाए। तो मैंने बारीकी से बताने की कोशिश की है एक एक चीज़, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये था बेल बॉटम ट्राउजर का कटिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि जो बेल बॉटम है उसका जो कटिंग है उसको मैं डिटेलिंग में अपने वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करूं, और आपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कटिंग में कुछ हेल्प कर सकूं इन वीडियोस के जरिए। ये बेल बॉटम था यानी कि ये स्किनी पर्सन है, यानी कि जो जिसका ट्राउजर है वो थोड़ा पतला है तो उसको बेल बॉटम पहनना है। तो बेल बॉटम का कटिंग मैंने डिटेलिंग में बताने की पूरी कोशिश की है, और मैं एक बार फिर से आप लोगों को गुजारिश करता हूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मैं कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट पढ़ने के बाद क्या है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बूस्ट हो जाता हूं। तो आप कमेंट जरूर किया करो, और मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।